okay students welcome to my channel beard education by arsha okay so in this class let us see what is team teaching and uh, what is its importance okay what we will see here what is team teaching and what is its uh, importance okay so here first of all let us see introduction part okay here the team teaching provides the teacher controlled instructional experience okay here how the instructional experience is a instructional experience is a teacher controlled okay the instructional experience is teacher controlled okay which type of exp instructional experience or teaching experience is there teaching experience okay ये आर द टीचिंग एक्सपीरियंस इज इंस्ट्रक्शनल और टीचर कंट्रोल ओके ही आर द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस इज टीचर कंट्रोल ओके सो दिस इज़ वॉट इन टीम टीचिंग द इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस इज टीचर कंट्रोल ओके तो हम सभी को समझ में आ गया क्या ये जो टीम टीचिंग है इसके अंदर इंस्ट्रक्शनल एक्सपीरियंस या तो फिर पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है पढ़ाने का जो अनुभव है यहाँ पर क्या रहता है शिक्षक नियंत्रित अनुभव रहता है ओके तो फिर इस टीम टीचिंग में पढ़ाने का अनुभव कैसे रहता है टीम टीचिंग में पढ़ाने का जो अनुभव है वो शिक्षक नियंत्रित नियंत्रित अनुभव रहता है ओके ओके तो फिर नेक्स्ट क्या है अभी हम सभी देखेंगे ओके okay? तो नेक्स्ट पॉइंट है द टू टीचर्स प्लान ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर द टू टीचर्स प्लान एग्जीक्यूट एंड द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है हम सभी नॉर्मली ओ, देखते रहते हैं क्या देखते हैं एक क्लास में ओके हम सभी लोग नॉर्मली क्या देखते हैं एक क्लास में नॉर्मली एक क्लास में कितने टीचर्स रहते हैं नॉर्मली एक टीचर ओके एक क्लास में नॉर्मली एक टीचर रहता है लेकिन टीम टीचिंग में कौन से कौन से टीचिंग में टीम टीचिंग के अंदर यहाँ पर एक क्लास में एक क्लास में कितने दो या तो फिर दो से ज़्यादा टू और मोर टीचर्स क्या करते हैं टू और मोर टीचर्स क्या करते हैं एक आ, कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस ले लो कि कोई के कोई भी टॉपिक के रिलेटेड एक लर्निंग एक्सपीरियंस ले लो के उस लर्निंग एक्सपीरियंस को पहले ये लोग प्लान करते हैं एक या दो सॉरी एक नहीं दो या दो से ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं पहले लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करते हैं उसके बाद में वो लोग क्या करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं किसको लर्निंग एक्सपीरियंस को ओके okay? पहले प्लान करते हैं फिर बाद में एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं लोग इवेलट करते हैं ओके इवेलुएट करते हैं किस चीज़ को किस चीज़ को प्लान एग्जीक्यूट या इवेलुएट करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस को ओके लर्निंग एक्सपीरियंस को ये लोग क्या करते हैं प्लान करते हैं इवेलुट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं कितने टीचर्स मिलाकर एक लर्निंग एक्सपीरियंस को प्लान एग्जीक्यूट या इवेलुएट करते हैं दो या तो फिर दो से ज़्यादा टीचर्स ओके okay? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है एक क्लास में दो या तो फिर दो से ज़्यादा टीचर्स लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करते हैं एग्जीक्यूट करते हैं और फिर इवेलुएट करते हैं ओके तो फिर ये हो गया टीम टीचिंग का इंट्रोडक्शन ओके तो फिर अभी हम नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट भी देखते हैं ओके तो इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में क्या है फर्स्ट अभी हम टीम टीचिंग के डेफिनेशंस को देखेंगे ओके तो टीम टीचिंग के डेफिनेशंस में फर्स्ट एस yes जी कौन है फर्स्ट फर्स्ट किसका डेफिनेशन है टीम टीचिंग में फर्स्ट डेफिनेशन है एस yes जी कॉल हैन का ओके okay? एस yes जी कल हन भी हम इसको बोल सकते हैं ओके एस जी कल हन का डेफिनेशन क्या है

दो से ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं कोऑपरेटिवली यानी कि कोऑपरेट करते हुए क्या करते हैं एक लोग एक प्लान को बनाते हैं ओके okay? और उस प्लान को ये लोग क्या करते हैं कैरी आउट करते हैं कैरी आउट मतलब उस प्लान को ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं ओके okay? और फिर इस प्लान के फ्रूटफुलनेस को कि okay? इस प्लान और इस एग्जीक्यूशन के फ्रूटफुलनेस को मतलब इससे हमें क्या इस प्लान से और इस एग्जीक्यूशन से हमें क्या फल मिला ओके okay? इस फ्रूटफुलनेस को या तो फिर इस एग्जीक्यूशन और प्लान के फल को ये लोग क्या करते हैं इवैल्यूएट करते हैं ओके इवैल्यूएट मतलब आप सभी को पता है क्या करते हैं मूल्यांकन करते हैं ओके okay? और आ, जैसे कि हम सभी को पता है ये जो प्लान हो गया या तो फिर एग्जीक्यूशन हो गया और इवेल्यूशन ये जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड रहता है ओके okay? तो फिर एस जी कलहन एस जी कलहन का डेफिनेशन क्या है टीम टीचिंग जो है ये क्या है टीचिंग एस जी कलहन कहते हैं कि टीम टीचिंग जो है एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है ओके टीचिंग लर्निंग क्या है प्रोसेस है ओके okay? यहाँ पर क्या होता है दो या तो फिर दो से ज़्यादा ओके okay? दो या तो फिर दो से ज़्यादा टीचर्स ओके दो या तो फिर दो से ज़्यादा टीचर्स क्या करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करते हैं ओके okay? इसको कैरी आउट करते हैं कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट ओके कैरी इट आउट ओके इस प्लान को कैरी आउट करते हैं ओके okay? और उसके बाद में क्या करते हैं इसके फ्रूटफुलनेस को क्या करते हैं लोग इवेलुएट करते हैं ओके okay? इसके फ्रूटफुलनेस को क्या करते हैं इवेलुएट करते हैं ओके okay? और ये जो है ये किस इस, एक इसके रिलेटेड रहता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके ये क्या रहता है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के रिलेटेड रहता है ओके okay? तो ये डेफिनेशन किसका हो गया ये डेफिनेशन यश जी कलहन का हो गया ओके okay? एस जी कलह एस जी कलहन के हिसाब से टीम टीचिंग का डेफिनेशन क्या है ये आप सभी लोगों ने समझ लिया ओके okay? इस चीज़ को आप सभी लोगों ने समझ लिया ना तो फिर अभी हम क्या करते हैं अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन को मूव करेंगे ओके नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है देखेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स एक सेकेंड रुकिए ओके okay. तो फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है स्पैनिश का ओके नेक्स्ट डेफिनेशन किसका है स्पैनिश का ओके okay? तो फिर स्पैनिश के हिसाब से ये क्या है टीम टीचिंग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओके रेस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग टुगेदर फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर सम ग्रुप ओके अभी ये क्या है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है टीम टीचिंग एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि एक जिम्मेदारी है जिसको हमें साथ मिलकर निभाना है ओके okay? जिसको हमें साथ मिलकर निभाना है किस चीज़ की जिम्मेदारी है ये जो है या टीचिंग या तो फिर इंस्ट्रक्शन ओके okay? टीचिंग या तो फिर इंस्ट्रक्शन में जो सिग्निफिकेंट पार्ट रहता है यानी कि जो महत्वपूर्ण भाग रहता है ओके okay? टीचिंग का जो महत्वपूर्ण भाग भाग रहता है कोई एक ग्रुप के लिए ओके okay? किसी भी एक ग्रुप के लिए टीचिंग का जो महत्वपूर्ण भाग रहता है उसको उसकी जिम्मेदारी लेना और उस जिम्मेदारी को साथ मिलकर निभाना यही क्या है टीम टीचिंग है ओके okay? तो फिर स्पैनिश के हिसाब से टीम टीचिंग क्या है स्पैनिश के हिसाब से टीम टीचिंग इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग टुगेदर फॉर अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन ओके तो फिर स्पैनिश स्पेनिश टीम टीचिंग के बारे में क्या कहते हैं टीम टीचिंग जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओके okay? ये क्या है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ओके टीम टीचिंग जो है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ लुकिंग टुगेदर, ओके अकेले मिलकर नहीं बल्कि दो या दो से ज़्यादा टीचर्स मिलकर इस रेस्पांसिबिलिटी को लुक लुक टुगेदर करते हैं यानी कि इस जिम्मेदारी को निभाते हैं ओके okay? कितने टीचर्स दो या दो से ज़्यादा टीचर्स ओके इट इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग टुगेदर किस चीज़ किस चीज़ के लिए ये लोग क्या करते हैं जिम्मे किस चीज़ की जिम्मेदारी निभाते हैं ये लोग ये जो ये लोग मतलब ये जो टीचर्स हैं सेकेंड रखिए जो टीचर्स हैं है, हाँ ओके okay. तो फिर ये टीचर्स क्या करते हैं इंस्ट्रक्शन ओके okay? इंस्ट्रक्शन या तो फिर टीचिंग का जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट है ओके okay? टीचिंग का जो भी सिग्निफिकेंट पार्ट है उस चीज़ की जिम्मेदारी को ये लोग निभाते हैं ओके सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टीचिंग ओके सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टीचिंग ओके तो ये लोग क्या करते हैं सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टीचिंग के रिलेटेड जो जिम्मेदारी है उसको साथ मिलकर निभाते हैं और ये जो जिम्मेदारी यानी कि ये जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ टीचिंग किसके लिए है एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए है। एक किसके लिए है स्पेसिफिक ग्रुप या तो फिर फॉर सम ग्रुप यानी कि कोई भी एक ग्रुप के लिए हु? क्या है फॉर सम ग्रुप ओके तो स्पैनिश के हिसाब से टीम टीचिंग क्या है स्पैनिश के हिसाब से टीम टीचिंग इज़ अ रेस्पांसिबिलिटी लुकिंग टुगेदर ओके टीम टीचिंग इज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी लुकिंग टुगेदर

टीम टीचिंग के डेफिनेशंस फर्स्ट हम किसका डेफिनेशन देखें हम लोग यस जी कल्लाहन का डेफिनेशन हम लोगों ने देख लिया ओके okay? उसके बाद में हम लोगों ने स्पैनिश का डेफिनेशन भी देख लिया ओके okay? यानी कि स्पैनिश ने जो टीम टीचिंग के रिलेटेड जो डेफिनेशन दिया था ना उसको भी हम लोगों ने देख लिया ओके okay? तो फिर अभी नेक्स्ट और एक डेफिनेशन है ओके okay? ये डेफिनेशन किसका है ये थर्ड डेफिनेशन है ये जो है क्वीन एंड क्वीन एंड कैंटर का डेफिनेशन है ओके ये किसका है क्वीन एंड कैंटर का ओके फर्स्ट जो है एस जी कल्लाहन का था उसके बाद में स्पैनिश का डेफिनेशन था टीम टीचिंग के रिलेटेड और उसके बाद में क्वीन एंड कैंटर ने 1984 में टीम टीचिंग के रिलेटेड इन्होंने एक डेफिनेशन को दिया ओके okay? uh, इसने क्या किया टीम टीचिंग के टीम टीचिंग का डेफिनेशन इसने दिया ओके okay? तो फिर टीम टीचिंग क्या है टीम टीचिंग इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टीचिंग पर्सनल एंड स्टूडेंट्स असाइंड टू देम इन विच टू और मोर टीचर्स आर गिवन ओके तो फिर टीम टीचिंग क्या है एक टीचिंग का ऑर्गेनाइजेशन है ओके okay? ये क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है ओके इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब टीचिंग का एक ऑर्गेनाइजेशन है ये टीचिंग ऑर्गेनाइजेश इस टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मतलब ये टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है टीचिंग पर्सनल यानी कि टीचिंग पर्सनल यानी कि टीचर और फिर स्टूडेंट्स ओके स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करता है ओके okay? मतलब ये ये दोनों क्या आ, ये दोनों मतलब टीचिंग पर्सनल और स्टूडेंट्स क्या हैं इस इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड है यानी कि ये जो टीचर्स हैं इन्वॉल्व हैं किसमें इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टीचर्स और फिर स्टूडेंट्स ओके इन विच टू और मोर टीचर्स आर गिवन ओके टीम टीचिंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्विंग टीचिंग पर्सनल एंड स्टूडेंट्स असाइन टू दैम इन विच टू और मोर टीचर्स आर गिवन ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है ये टीम टीचिंग जो है एक इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टीचिंग पर्सनल और फिर स्टूडेंट्स असाइन टू दैम यानी कि पर्टिकुलर टीचिंग पर्सनल को इतने स्टूडेंट्स ओके ऐसे मतलब एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके पर्टिकुलर मतलब थोड़े टीचर्स को इतने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ओके इस तरह से उनको असाइन किया जाता है ओके okay? जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा टीचर्स दिए होते हैं ओके okay? तो फिर ये क्या है टीम टीचिंग क्वीन एंड कैंटर के हिसाब से ये क्या है एक इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर टीचिंग पर्सनल और फिर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं ओके स्टूडेंट्स असाइंड टू दैम ओके इसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व रहते हैं इस इंस्ट्रक्शनल uh, ऑर्गेनाइजेशन में इस इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में टीचिंग पर्सनल ओके और फिर स्टूडेंट्स असाइन टू दैम ओके इस टीचिंग पर्सनल को कितने स्टूडेंट्स असाइन किए गए हैं ओके okay? इस तरह से ओके okay? और फिर क्या, और इसके अंदर कितने टीचर्स रहते हैं दो या दो से ज़्यादा टीचर्स रहते हैं ओके okay? तो फिर इसको हम क्या कहते हैं टीम टीचिंग कहते हैं ओके okay? किसके हिसाब से क्विन एंड कैंटर के हिसाब से ओके okay? तो फिर ये हो गया टीम टीचिंग का डेफिनेशन ओके इन इंग्लिश व्हाट इज़ टीम टीचिंग अकॉर्डिंग टू क्विन एंड कैंटर टीम टीचिंग इज अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन्वॉल्विंग टीचिंग पर्सनल एंड द स्टूडेंट्स असाइन टू देम इन विच टू और मोर टीचर्स आर गिवन ओके तो फिर दिस इज व्हाट टीम टीचिंग ओके अभी हम टीम टीचिंग का इम्पोर्टेंस देखते हैं ओके ये जो टीम टीचिंग है किस चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है कहाँ पर इसकी इम्पॉर्टेंस है ओके तो फिर यहाँ पर टीम टीचिंग से क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल टीम टीचिंग से हमें डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग्स मिलते हैं ओके okay? मतलब एक टीचर एक सेकेंड रुकिए, ओके okay? अभी एक टीचर है ओके okay? इस टीचर का टीचिंग स्टाइल चेंज होता है ओके okay? और फिर और एक टीचर है, ओके okay? और इनका भी जो स्टाइल है वो डिफरेंट होता है लेकिन इससे बेनिफिट किसको मिलता है स्टूडेंट्स को मिलता है ओके okay? हो सकता है ये 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 जो टीचर है ना इनका ब्लैक बोर्ड वर्क बहुत ही इफेक्टिव है ओके okay? और हो सकता है ये जो टीचर हैं इनका जो है कम, इनके जो है कम्युनिकेशन स्किल्स और कंटेंट कंटेंट की एक्सप्लेनेशन करने की जो स्किल्स रहती हैं वो इन इन मतलब इस व्यक्ति के अंदर वो स्किल्स अच्छे हैं ओके तो फिर इससे क्या होगा स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा ओके ये टीचर जिस स्किल के अंदर अच्छा है और ये टीचर जिस स्किल के अंदर अच्छा है उसके रिलेटेड लेसन प्लान करते वक्त इनको कंटेंट डिवाइड किया गया ओके इनको कंटेंट जो है डिवाइड किया Uh, मतलब डिवाइड करते हैं ओके okay? तो फिर उसके हिसाब से क्या होता है स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलता है ओके okay? तो फिर ये क्या है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टीचिंग रहते हैं टीम टीचिंग के अंदर ओके okay? और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं इट रेड्यूज क्लासरूम डिसरप्शन और डिस्टर्बेंस ओके और ये जो टीम टीचिंग है ना ये क्लासरूम डिस्टर्बेंस को क्या करता है रेड्यूस करता है कैसे रेड्यूस करता है क्लासरूम डिसिप्लिन इज़ इम्प्रूव विच रिड्यूसेस क्लासरूम डिसरप्शन ओके यहाँ पर क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन किया मेंटेन करते हैं ओके okay? uh, मतलब एक टीचर जो है क्लास को कंट्रोल करते हैं उसे क्या होता है क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है और इससे क्या होता है क्लासरूम जो क्लासरूम में जो भी डिस्टरबेंस होता है स्टूडेंट से या तो फिर कोई या तो फिर कोई मतलब कोई दूसरे लोगों से या तो फिर दूसरी चीज़ों से जो भी डिस्टरबेंस होता है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं ओके okay? और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है अटेंशन ऑफ टीचर ओके एनी चाइल्ड विथ डिफिकल्टी कैन रिसीव फुल अटेंशन ऑफ टीचर ओके यहाँ पर अलग अलग टीचर्स होते हैं है ना तो फिर इसे क्या होता है टीचर अलग अलग स्टूडेंट्स का अटेंशन अटेंशन भी स्टूडेंट्स को मिलता है मतलब अलग अलग टीचर्स का अटेंशन भी किन मिलता है स्टूडेंट्स को मिलता है ओके okay? और इसके हिसाब से ये क्या कर सकते हैं इंडिविजुअली उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं ओके okay? तो फिर और नेक्स्ट क्या होता है मोर फन इन क्लास ओके और एक इसका बेनिफिट क्या है क्लास में फ़न भी कर सकते हैं हम लोग ओके okay? मतलब अलग अलग टीचर्स रहते हैं ना तो फिर इससे क्या हो जाता है क्लास में फ़न भी सभी लोग कर सकते हैं ओके okay? और उसके बाद में सपोर्ट ऑफ टीचर सपोर्ट फॉर टीचर्स ओके मतलब अलग अलग टीचर्स रहते हैं ना तो एक टीचर अगर आ, उनको कोई टॉपिक याद नहीं आया ओके okay? तो फिर क्या होता है इस सिचुएशन में दूसरा टीचर जो रहता है वो इस टीचर को सपोर्ट कर सकता है और फिर हेल्प कर सकता है इस तरह से टीचर्स को क्या होता है टीम टीचिंग में सपोर्ट भी मिलता है ओके okay? और इसके बाद में लो कॉस्ट रहता है ओके okay? इसमें क्या रहता है टीचिंग सॉरी uh, टीम टीचिंग में ये जो है लो कॉस्ट ओके इसका कॉस्ट जो है वो लो रहता है और फिर ये जो है एल्यूमिनेट्स सॉरी एलिमिनेट्स बोर्डम ओके ये जो टीम टीचिंग है ये बोर्डम को एलिमिनेट करता है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग टीचर्स रहते हैं तो फिर बीच में एंटरटेनमेंट भी हो सकता है फन भी हो सकता है इससे क्या होता है बोर्डम एलिमिनेट होता है अच्छा तो फिर अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे यहाँ पर टीम टीचिंग के और थोड़े इम्पोर्टेंसेस हैं ओके अच्छा तो यहाँ पर नाइन्थ इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ओके यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप है वो भी क्या होता है इम्प्रूव होता है ओके इस टीम टीचिंग से स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होता है ओके और फिर म्यूचुअल म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ओके यानी कि यहाँ पर बच्चे और टीचर्स ओके okay? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और फिर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर एक्टिविटीज़ में ओके okay? एक्टिविटीज़ में क्या करते हैं ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं ओके okay? तो फिर यहाँ पर क्या होता है म्यूचुअल पार्टिसिपेशन होता है ओके okay? और इसके बाद में ओके इन... okay? तो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन भी मिलता है और फिर इंटरपर्सनल स्किल्स और फिर रीजनिंग भी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप होते हैं ओके okay? यहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स मतलब बच्चे जो हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं है ना तो फिर इंटरेक्ट करते वक्त एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त किस तरह के बिहेवियर्स को यूज़ करना है हमें किस तरह से बिहेव करना है इस इस तरह के जो भी स्किल्स होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है टीम टीचिंग में यहाँ पर एक दूसरे से इंटरेक्शन करते रहते हैं टीचर्स भी तो इसको बच्चे भी देखते रहते हैं है ना तो फिर इससे इनको क्या होता है इनके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप होते हैं ओके और फिर स्टाफ डेवलपमेंट मतलब यहाँ पर एक ही टीचर नहीं रहते हैं ना एक या तो फिर दो या तो फिर दो से ज़्यादा टीचर्स रहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता है और फिर यहाँ पर क्या होता है लॉन्ग टर्म नॉलेज रिटेंशन भी होता है मतलब यहाँ पर अलग अलग टीचर्स मिलकर क्या कर यहाँ पर अलग अलग टीचर्स मिलकर एक लेसन को एग्जीक्यूट किए रहते हैं है ना तो फिर इससे क्या होता है उस वो, वो सभी सिचुएशंस बच्चों को याद रहते हैं मतलब किस टीचर ने क्या सिखाया था कौन से टाइम में कौन से टॉपिक के रिलेटेड किस टीचर ने Uh, कैसे सिखाया था ये सभी चीज़ें बच्चों को याद रहती हैं इसलिए क्या होता है जो भी उन्होंने सीखा होता है क्लास में वो उन्हें बहुत दिन तक याद रहता है ओके okay? तो फिर इम्पोर्टेंस फॉर फैकल्टी फैकल्टी के लिए क्या कैसे इम्पोर्टेंट है ये लर्न अबाउट टीचिंग फैकल्टी जो है टीचिंग के रिलेटेड सीख सकते हैं मतलब एक दूसरे को मतलब वहाँ पर अलग अलग टीचर्स रहते हैं ना वो एक दूसरे से एक दूसरों को देख कर सीख सकते हैं ओके okay? और फिर इम्प्रूव देर ओन टीचिंग स्किल्स ओके वो खुद के मतलब दूसरे टीचर्स को डर कर तो वो क्या करते हैं अपने ओन जो टीचिंग स्किल्स रहते हैं उनको इम्प्रूव करते हैं ओके okay? और फिर टीचर्स जो हैं उनके कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं मतलब कुछ टीचर्स होते हैं मतलब उन्हें अकेले पढ़ाने का मतलब दूसरे टीचर्स के एबसेंस में पढ़ाने की आदत रहती है ओके okay? ऐसे टीचर्स को उनके कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए भी ये हेल्प करता है ओके okay? और फिर क्रिएटिव असाइनमेंट्स ओके मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा टीचर्स इन्वॉल्व रहते हैं ना तो फिर यहाँ पर क्या होता है क्रिएटिव असाइनमेंट्स भी क्या कर सकते हैं देने की अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं ओके okay? तो फिर नेक्स्ट है बिकम इंफॉर्म्ड एंड इनक्रेज इन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च ओके यहाँ पर आ, जो टीचर्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं इंफॉर्म हो जाते हैं और इनक्रेज इन इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च ओके मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को क्या करते हैं इंटीग्रेट करके पढ़ाने में भी ये जो टीचर्स हैं इनफॉर्म्ड हो जाते हैं ओके लोनली दोन्पीटेटिव एंड फ्रैगमेंटेड एक्सपीरियंस ऑफ सोलो टीचिंग ओके सोलो टीचिंग में क्या होता है वही जो टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है उसी को दोबारा दोबारा दुबा, क्या करते हैं रिपीट करते हैं मतलब एक टाइप बोर्डम क्रिएट होता है सोलो टीचिंग से ओके okay? इसको क्या करता है टीम टीचिंग अवॉइड करता है ओके टीम टीचिंग इम्प्रूवज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एज वेरियस एक्सपर्ट्स अप्रोच द सेम टॉपिक फ्राम डिफरेंट एंगल्स ओके यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ओके okay? एक टीचर एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट होता है, है ना तो फिर यहाँ पर क्या होता है अलग अलग टीचर्स एक ही टॉपिक को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पढ़ा सकते हैं ओके okay? और फिर वर्किंग इन टर्म्स वर्किंग इन टीम्स स्प्रेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एनकरेजेस क्रिएटिविटी डिपेंस फ्रेंडशिप एंड बिल्ड्स कम्युनिटी एमोंग द टीचर्स ओके और फिर द टीम टीचिंग एक्ट्स टीचिंग बर्डन्स एंड बूस्ट दी मॉरल ओके तो फिर यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर क्रिएटिविटी को इनक्रेजमेंट मिलता है और फिर फ्रेंडशिप भी डेवलप होती है और फिर कम्युनिटी टीचर्स के बीच में फ्रेंडशिप और कम्युनिटी भी डेवलप होती है ओके okay? तो फिर ये सभी टीम टीचिंग के बारे में था अगर आप सभी लोगों को या, मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं थैंक यू ऑल